नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में मैं चर्चा करता हूं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की चर्चा करता हूं, डॉलर, गोल्ड और क्रूड के चाल की, और चर्चा करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगले हफ्ते क्या चाल हो सकती है उसकी। साथ में मैं लेकर आता हूँ कुछ स्टॉक्स की आइडियाज जिनमें आप अगले हफ्ते निवेश या ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ, और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज से है, और आप उसको यूज़ करने से पहले बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और उसके बाद ही अपने निवेश या ट्रेड का डिसीजन लें। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस इंफॉर्मेशन से खुश हैं और ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जानकारी लेकर आता हूँ और स्टॉक्स के आइडियाज लेकर आता हूँ, अगर आपको लगती है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें सॉरी, और दो आप इसको सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं काम की बात। तो पिछले हफ्ते जो एक बड़ा इवेंट था वो था अमेरिकन जो मार्केट में या अमेरिका का सीपीआई का डेटा जो थर्सडे आया, और उस डेटा के बेस पे हम लोग ने देखा एक बड़ी उछाल आई। तो हम लोग पहले उस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो अमेरिका का सीपीआई मतलब महंगाई का जो दर है वो 8% से अभी नीचे आ चुका है, अच्छे खासे मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी नीचे आ गया है। तो ये एक बड़ी राहत की चीज़ थी अमेरिकन मार्केट्स के लिए, क्योंकि अगर ये सीपीआई का जो डेटा या महंगाई का इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो अगर हमको ये बताता है कि महंगाई बढ़ने की दर कम हुई है, तो अब जो फेड है वो अपने ब्याज दरें बढ़ाने की दर भी कम कर देगा, और इसी उम्मीद के साथ में मार्केट ने एक बड़ी उछाल हमको गुरुवार के दिन दिखाई। इसी के साथ में हमने ये भी देखा कि जो फेड के जो मेंबर्स हैं, एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को मतलब सराहा है कि अगर इस टाइप से अगर जो महंगाई कम होने का दर है तो वहाँ दर ब्याज दरें बढ़ने की भी दर कम हो सकती है। तो ये एक बड़ी राहत की चीज़ है, क्योंकि ब्याज दर जब बढ़ता है तो हर कंपनी के ऊपर इसका बड़ा दबाव रहता है और उनके बैलेंस शीट पे इसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये एक अच्छी खबर थी और इसी का असर हमने अपने मार्केट में आते हुए देखा। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से एक लंबी उछाल हमको मार्केट में आते हुए दिख सकती है, जो कि मैंने अपने दिवाली के दिन जो मेरा टीवी शो था वहाँ भी मैंने कहा था, और मेरे पिछले हफ्ते के वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ से एक अच्छी उछाल हमको मार्केट में आते हुए दिख सकती है। अभी सारे मतलब जो खराब चीज़ें हैं वो अब पीछे रह गई हैं, यहाँ से जो भी एक्सपेक्टेशन है वो अब अच्छे मार्केट की ओर हमको लेके जा रहा है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इसका असर जो भारतीय बाज़ार पर है वो बहुत ही सकारात्मक होते हुए हमको नज़र आएगा, और इस साल 2023 ये हमारा शायद एक अच्छा साल साबित हो हमारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के हिसाब से, और करीब करीब 20,000 और 22,000 के बीच में हम इस साल पहुंचते हुए नज़र आएंगे। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि 21,500 तक तो हम लोग मतलब 21,500 या 21,500 के लेवल को हम लोग इस साल ज़रूर से अचीव करते हुए नज़र आएंगे, शायद 22,500 तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। तो आराम से आप इसको अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, लंबे समय के लिए कीजिए, और इस बाजार का इस बुल रन का फायदा उठाइए, ये मैं आपको इस बार कहना चाहूँगा। तो हमको बाजार के की अभी जो चाल है वो कहाँ तक है, कैसी है, उसको हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि चार्ट हमको क्या हमको चित्र दिखा रहा है, क्या पिक्चर हमको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट में शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, और डाउ जोन्स की अगर बात करते हैं तो
एक बड़ी उछाल हम लोग ने पिछले हफ्ते आते हुए देखी, एक गैप अप ओपनिंग 1200 पॉइंट की, और फिर वहां से ये उछाल को भी हम लोग देखेंगे तो ये कंटिन्यूस रही है। फ्राइडे के दिन एक साइडवेज मार्केट है, थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, और फिर वापस से उस जो गेन को है वो कंटिन्यूस किया। छोटा सा साइडवेज, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्राइडे में थोड़ा साइडवेज मार्केट रहा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो बना हुआ था वो इस बार डाउ जोन्स ने तोड़ दिया है, और वो जो ये जो ब्रेकआउट है ये यहाँ से अब कंटिन्यूस रहेगा। अब ये ब्रेकआउट कंटिन्यूस रहेगा और हम लोग यहाँ नई ऊंचाइयाँ बनते हुए देखेंगे। ठीक डाउ जोन्स की तरह अगर नैसडैक की भी बात करें तो नैसडैक भी अपने बिल्कुल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, और यहाँ से ये इसका भी ब्रेकआउट होते हुए हमको दिखाई देगा अगले हफ्ते। देखिए जब नहीं होना था लास्ट वीक तो मैंने कहा था कि इसको ब्रेकआउट नहीं होना है, और अब मैं जब कह रहा हूँ कि इसको ब्रेकआउट होना है तो ये ब्रेकआउट होगा। बाकी भी मार्केट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ सारे मार्केट्स में हमने एक अच्छा उछाल आते हुए देखा है। ये डैक्स है, ये हांगकांग है, फिर चाइना है, निकाई है, हर जो बाजार है वहाँ हम एक अच्छी उछाल देख रहे हैं, और यही अच्छी उछाल हमारे यहाँ भी हमने देखी। लेकिन उसके पहले हम लोग ये देख लेते कि इन सब का असर गोल्ड पर क्या हो रहा है, डॉलर पे क्या हो रहा है, और क्रूड पे क्या हो रहा है। सॉरी, तो गोल्ड की अगर बात करते हैं तो देखिए गोल्ड ने वापस से एक अप ट्रेंड को कंटिन्यूस किया है, और ये इसलिए है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में आपको एक गिरावट नजर आएगी, और डॉलर इंडेक्स में अगर गिरावट नजर आई साथ में जो यील्ड है ना, बॉन्ड यील्ड, वो भी गिरते हुए हमको नजर आए। अगर बॉन्ड यील्ड गिरती है तो फिर जो लोगों का जो रुझान है वो गोल्ड की ओर आ सकता है, और हम यहाँ से गोल्ड में भी एक नई उछाल देखने को हमको यहाँ मिल सकती है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से जरूर खरीद के रख सकते हैं, यहाँ से आपको एक अच्छी उछाल आते हुए दिख सकती है। इस वीक के लिए क्या करना है, इस वीक के लिए हमारे जो लेवल्स हैं गोल्ड के लिए वो ये हैं कि आपको 52,598, मतलब ऑलमोस्ट 600, इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है, और टारगेट्स होंगे 53,157 और 53,678। ये मेरे वीकली टारगेट्स हैं। नीचे की ओर थोड़ा सा करेक्शन आ भी सकता है, तो अगर वहाँ करेक्शन आता है तो हमको 52,300 के नीचे शॉर्ट करना है, 52,250 ये लेवल है जिसके नीचे हमको शॉर्ट करना है। फिर टारगेट्स होंगे 51,900 और 51,500 के, तो ये दो स्मॉल टारगेट्स के लिए आपको यहाँ शॉर्ट करना है। लेकिन अगर यहाँ आपको मिलता है तो आप फिर से वापस से बाय करके चल सकते हैं, अब रुझान जो होगा वो ऊपर वाला होगा। डॉलर, अब इस वीक हमने जैसे कि डॉलर इंडेक्स में काफ़ी गिरावट आई तो सिंपल है कि यहाँ भी डॉलर हमको रुपये के मुकाबले कमज़ोर होता हुआ नज़र आया, या ये कह सकते हैं कि रुपया मजबूत होता नज़र आया। अब जो है नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट वीक के लिए आपको 80.54 इसके ऊपर आपको बाय करना है, फिर टारगेट्स होंगे 80.97, 50 पैसे के आसपास के, 40-50 पैसे, और नीचे की ओर अगर 80.43 अगर ब्रेक होता है तो नीचे 80.15, ये करीब करीब 30-35 पैसे की आपको एक रेंज मिल सकती है डॉलर में। क्रूड अब जो होगा एक लंबे समय के लिए अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लंबे समय के लिए अभी एक साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको, करीब करीब 90 और 100 के बीच में ही ये फिलहाल ट्रेड करते नजर आएगा, और ये जो लेवल है अब हमको एक्सेप्ट कर लाना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है, नेक्स्ट वीक के लिए आप 7,259 के ऊपर आप बाय करेंगे, टारगेट्स होंगे 7,486 और 7,677 के। नीचे की ओर
अगर ब्रेक होता है 7099 तो शॉर्ट करना है फिर 6907 और 6717 इन दो टारगेट्स के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का यहाँ मैं कुछ बताना चाहूँगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जैसे मैंने अब लास्ट 15 डेज से मैं दिवाली के बाद से मैं काफ़ी बुलिश रहा हूँ। दिवाली के दिन ही मैंने मेरे टीवी शो में भी कहा था कि मैं बुलिश हूँ और यहाँ से मैंने बाइंग की सलाह दी थी, जबकि लोग उस समय बहुत कॉशस थे। तो अब जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूँ, देखिए मेरा नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म टारगेट जो है इसी साल का 2023 का और प्रोबेबली जुलाई तक का। हम लोग जुलाई में ही मार्च तक हम लोग बेसिकली 20,700 तक पहुंच जाएंगे और जुलाई अगस्त तक हम 22,100 तक पहुंचने की मुझे संभावना नजर आ रही है। मतलब काफी स्ट्रांग एक अप ट्रेंड यहाँ से हमको आते हुए दिख सकता है। तो ये मेरे टारगेट्स हैं 2023 के लिए, 22,130 के लिए। यहाँ से आप मतलब आराम से एक लंबा ट्रेड आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, करीब करीब 3, 3.5, 4 हज़ार की एक मूव आपको इस साल में आते हुए दिख सकती है ये। लेकिन जुलाई अगस्त तक का ही मेरा अनुमान है कि वहां तक हमको या वहां तक शायद हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं अगले वीक की। तो अगले वीक में आपको करना क्या है, अगले वीक में हमको 18,400, ये शायद प्रोबेबली मंडे की ओपनिंग होगी, इसके ऊपर हमको बाय रहना है। अब 18,400 ये हमारे लिए बेस बन जाएगा मंडे के बाद से। तो उसके बाद हमारे लिए उसके ऊपर हम 18,536 और 18,600, ये दो लेवल्स होंगे हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। वहाँ आपको कॉशियस रहना है क्योंकि वहाँ एक हमारा 2 साल पुराना, 2 साल नहीं शायद 1 साल, सॉरी हाँ 1 साल पुराना हाई जो बना था ये, है ना, वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे और वहाँ हमको एक अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग टेम्प्ररी होगी, वहाँ आप वापस से बाय करके चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट होगा 18,600 का। नीचे की ओर अगर हम लोग आना शुरू करते हैं तो फिर आप शॉर्ट भी कीजिए, फिर 18,297, 18,200 और 18,100, ये तीन टारगेट्स हमारे डाउन साइड के लिए भी हो सकते हैं वीकली बेसिस पे। तो एक जो रेंज है ये इस रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड करते हमको नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं सॉरी वो ये है कि आप 42,450, ये हमारे लिए एक बेस का काम करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और यहाँ आपको इसके ऊपर बाय करके चलना है और फिर टारगेट्स होंगे आपके 43,250, ये एक टारगेट्स होगा, और 44,000 ये हमारे लिए एक दूसरा टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक इस वीक के लिए हमारा 43,000 का, 43,241 का ये एक टारगेट अचीवेबल लगता है मुझे, अगर हमने एक बड़ी यहाँ से उछाल देखी तो। नीचे की ओर अगर हम लोग 42,400 को ब्रेक करते हैं कुछ समय के लिए तो आप शॉर्ट भी कीजिए, टारगेट्स होंगे आपके 42,075 के। और फिर नीचे एक और टारगेट है जो अचीवेबल है, वो है 41,900, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, लेकिन वहाँ तक भी आ सकता है। उसके नीचे जाएगा इसकी संभावना कम है, लेकिन अगर आता है तो फिर आपको एक बड़ा गैप फिलिंग का एक मौका मिलेगा और फिर वहाँ आपका टारगेट होगा 41,600। लेकिन इसके नीचे जाने की संभावना अभी फिलहाल इमीडिएटली मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये मार्केट अब बाय ऑन डिप्स हो गया है। तो नीचे और जब भी आपको मिलता है आपको बाय करके चलना है अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। अल्टीमेट मेरा जो
टारगेट्स है इस साल के लिए बैंक निफ्टी का, वो है 52,000। ओके, तो ये जो टारगेट्स है ये मेरा है 52,800 का, ये टारगेट्स है मेरे लिए 2023 के लिए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी के ETF लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है अभी भी, और आराम से आप लोग इसमें ट्रेड कीजिए और आपको ये नज़र आएगा 52,800 का जो लेवल है वो आपको 2023 में आते हुए नज़र आएगा। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू। अब बात करते हैं अगले वीक के लिए, कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, कहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए। तो पहला जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है एप्पल। ये तो कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है और कोई इसमें इशू नहीं है कि ये जो मार्केट, इसका जो गिरावट हुई है बहुत ऊपर से, है ना, हम देख सकते हैं। तो ये मौका है जब आप री एंटर कर सकते हैं इस स्टॉक में, और आपको री एंटर करना है 1262 के लेवल के ऊपर, और फिर आपका जो टारगेट होगा 1500 और 2087। देखिए यहाँ से एक बड़ी उछाल आते हुए आपको नज़र आएगी, एक बड़ा टारगेट आपका अचीव हो सकता है। आप उसके लिए इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, स्टॉप लॉस आपको रखना है यहाँ 1138 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, वो है ऑल कार्गो। देखिए जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो एक और सेक्टर है जो बढ़िया चलता है, वो होता है सप्लाई चेंज का। तो ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर और ये सारी चीज़ें बहुत, इनका भी अपना एक इस मार्केट में आप इम्पोर्टेंस है, और ये भी तेजी से बढ़ते हैं। तो इसी सेक्टर का ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जो स्टॉक है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ आपको 453 के ऊपर बाय करना है, टारगेट्स होंगे 523 और 628 के, स्टॉप लॉस आपको रखना है 403 का। नेक्स्ट जो स्टॉक्स हैं वो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है गरवारे हाईटेक फिल्म्स का, और ये गरवारे जो है ये अपने फील्ड की, ये मोनो, ये आप ये बोल सकते हैं कि लीडिंग कंपनी है जो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लास्टिक। तो यहाँ से एक उछाल आते हुए मुझे दिखती है। हमको करना क्या है, 760 जो उसका करंट रेट है वहाँ उसके ऊपर आपको बाय करना है 905 के। एक सिंगल टारगेट के लिए मैं फिलहाल दे रहा हूँ, लेकिन ये जब पार करेगा तो हमको और नए टारगेट्स बिल्कुल यहाँ हासिल होते नजर आएंगे, पर अभी के लिए एक टारगेट 905, स्टॉप लॉस आपको रखना है 719 का। नेक्स्ट स्टॉक जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ICICI सिक्योरिटीज का, ISEC। ओके, अभी देखिए जब मार्केट चढ़ेगा तो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वो भी बढ़ेंगे, मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के वॉल्यूम भी बढ़ेंगे, और इस वॉल्यूम का सीधा असर ब्रोकरेज फॉर्म्स को होगा, इसका सीधा फायदा ब्रोकरेज फॉर्म्स को होगा। और इसी ब्रोकरेज फॉर्म्स के हिसाब से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ICICI सिक्योरिटीज। तो आपको यहाँ बाय करके चलना है 562 के ऊपर, टारगेट्स होंगे 645, इमीजिएट टारगेट मैं 645 का दे रहा हूँ और 715 का। ओके, यहाँ आप एक टारगेट और भी आप ले सकते हैं 715 का, और स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो है 532 का। तो यहाँ मैं एक ऐड करना चाहूंगा वो है 715 का एक और टारगेट। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है LTI। ये आखिरी स्टॉक है जो मैं आपके लिए यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ,
एलएनटी इन्फोटेक का, एलएनटी इन्फोटेक यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, और यहाँ आपको बाय करके चलना है 5058, टारगेट होंगे 5592 और 6082 के, स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है 4792 का। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पिराय, और बाजार पिराय में हमने चर्चा की ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट्स की चर्चा की, हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जो इस साल हमको मतलब आते हुए नजर आ सकते हैं, और उनको चा हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको कहाँ कहाँ कैसे निवेश करना है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको निवेश के नए नए अपॉर्चुनिटीज देंगे। उन सारे स्टॉक्स की भी मैं आने वाले हर बाजार के राय में के अपने एपिसोड में चर्चा भी करता रहूंगा। इस हफ्ते मैंने आपको अच्छे 5 स्टॉक्स भी दिए जहां आप निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए भी, क्योंकि यहां मार्केट में अब निवेश का टाइम आ गया है। ट्रेडिंग के साथ साथ जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो तो ट्रेडिंग करें, जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है, और इस समय का फायदा उठाइए। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ में। नमस्कार।